मुठभेड़ के बाद नरेला से पकड़ा गया राकेश ताजपुरिया जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया का बेहद खास गुर्गा है। उसके सबसे बड़े विरोधी गोगी की हत्या में हथियार मुहैया कराने से लेकर टिल्लू के इशारे पर हत्याओं को अंजाम देने में वह शामिल रहा है। उसके खिलाफ 4 हत्या सहित 1 दर्जन आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। फिलहाल वह गोगी गैंग के कुछ सदस्यों की हत्या के लिए साजिश रच रहा था। डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार स्पेशल सेल को पता चला था कि राकेश ताजपुरिया अलीपुर और नरेला इलाके में अक्सर आता है। वह गोगी गैंग से जुड़े हुए कुछ बदमाशों की हत्या करने के फिराक में है। इस जानकारी पर लगभग 4 महीने से इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम काम कर रही थी। पुलिस टीम को मंगलवार रात केमिकल फैक्ट्री रोड पर उसके आने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने बाइक पर जाते हुए जब उसे देखा तो बाइक छोड़कर उसने पुलिस टीम पर 2 गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 1 गोली पुलिस की तरफ से भी चलाई गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और पुलिस टीम आरोपी को काबू करने में कामयाब रही। उसके पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। राकेश ताजपुरिया के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास, लूट, जबरन उगाही, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट आदि के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दिल्ली और हरियाणा में दर्ज हैं। बीते 10 साल से आपराधिक वारदातों को वह अंजाम दे रहा है। पुलिस को 4 हत्या और 1 हत्या प्रयास के मामले में उसकी तलाश थी। इनमें सबसे प्रमुख मामला रोहिणी कोर्ट के भीतर हुई जितेंद्र गोगी की हत्या का है। आरोपी राकेश ने पुलिस के समक्ष खुलासा किया है कि वारदात वाले दिन शूटरों के साथ वह रोहिणी कोर्ट तक आया था। उसने हथियार देकर शूटर को अंदर भेजा था। वही टिल्लू के निर्देश पर वह खुद कोर्ट के बाहर मौजूद रहा था।